Hello students, today we are going to read chapter number 4. The name of the chapter is School is a Temple. So let's start. A classroom. Students are sitting. Raju, the class monitor, notices some bits of paper lying on the floor near Manjit. Classroom ki story hai ye. स्टूडेंट्स आर सिटिंग, बच्चे बैठे थे. राजू क्लास मॉनिटर, राजू जो है वो क्लास मॉनिटर था. उसने कुछ बिट्स ऑफ पेपर लाइंग ऑन द फ्लोर, कुछ फ्लोर पे जो बिट्स ऑफ पेपर उसने नोटिस किए, किसके पास? मंजीत के पास. राजू, मंजीत, हु हैज़ थ्रोन दीज बिट्स ऑफ पेपर इन द क्लास. राजू ने मंजीत को बोला कि किसने ये बिट्स ऑफ पेपर जो है नीचे फेंके हैं, किसने थ्रो किए हैं. मंजीत, आई डोंट नो राजू, मे बी सम बॉयज़ हैज़ थ्रोन दी स्क्रैप्स. मंजीत ने बोला कि मुझे नहीं पता राजू कि किसी, क्या पता किसी ने, किसी कुछ बॉयज़ ने है डाले होंगे पेपर्स नीचे. नेक्स्ट, राजू, नो यू आर टेलिंग अ लाई. व्हेन आई वेंट आउट ऑफ द क्लासरूम यू वर्स राइटिंग ऑन अ पेपर. आई एम श्योर These are the bits of that same paper. राजू बोलता है कि मंजीत को बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो कि जब मैं बाहर था तब तुम एक पेपर पे लिख रहे थे और मैं श्योर हूँ कि ये जो बाइट्स है वो उसी पेपर के हैं. मंजीत, I didn't throw them here कि मैंने यहाँ नहीं फेंके हैं. I throw them in the dustbin कि मैंने उन पेपर्स को डस्टबिन में फेंके हैं. राजू, loudly, no, you threw them here, now clean the floor. राजू ने बोला कि no, आप तुमने ही फेंके हैं और अभी जो है तुम फ्लोर को क्लीन करो. मंजीत, when I didn't throw these bits of papers, why should I clean them? मंजीत बोलते हैं कि मैंने नहीं फेंके तो मैं इनको क्लीन क्यों करूं? नेक्स्ट, बोथ स्टार्टेड क्वारलिंग जस्ट देन द क्लास टीचर एंटर्स. जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी क्लास टीचर एंटर होते हैं. टीचर, बॉयज, व्हाई आर यू मेकिंग अ नॉइज. टीचर बोलते हैं कि बॉयज तुम लोग क्यों आवाज़ कर रहे हो. मंजीत, सर राजू इज ब्लेमिंग मी, ही सेज दैट आई हैव थ्रोन दीज बीट्स ऑफ पेपर हियर. He is telling me to clean the floor also. It's not my job. जब है जैसे टीचर पूछते हैं तब मंजीत उनको बोलता है कि राजू जो है वो मुझ पर ब्लेम कर रहा है कि मैंने ये जो है पेपर्स फेंके हैं और ये मुझे अभी फ्लोर क्लीन करने के लिए बोल रहा है और ये मेरा जॉब नहीं है. टीचर क्या बोलते को? Boys, at first be quiet and listen to me patiently. टीचर बोलते हैं बॉयज़ की पहले सब शांति से बैठो और मैं बोल रहा हूँ वो सुनो. टेल मी इफ़ योर बॉडी बिकम्स डर्टी हु क्लीन्स इट. टीचर पूछते हैं सबको कि अगर आप लोगों की बॉडी ख़राब होती है तो कौन क्लीन करता है. ऑल, वी डू इट अवर सेल्फ सर. सब बोलते हैं कि हम अपने आप खुद करते हैं. टीचर, इफ़ योर रूम इज़ डर्टी इज़ इट Only your mother's duty to clean it. Don't you clean your room? तो टीचर बोलते हैं कि अगर तुम्हारा रूम डर्टी हो जाए तो क्या ये सिर्फ तुम्हारी मम्मी की ड्यूटी है क्लीन करना? तुम क्लीन नहीं कर सकते हो अपना रूम? राजू, यस सर आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ. जैसे राजू बोलता है कि हाँ सर मैं मेरा रूम क्लीन करता हूँ मैं खुद. टीचर, गुड राजू. नेहा, सर आई ऑल्सो स्वेप माई रूम. I fetch water with my mother from a well. I help her in the kitchen also. जैसे फिर नेहा बोलती है कि सर मैं भी रूम क्लीन करती हूँ और मैं भी मेरे मम्मी की हेल्प करती हूँ पानी निकालने में कुएं में से और I help her in the kitchen also. मैं किचन में भी उनकी हेल्प करती हूँ. बिट्टू, सर I also help my father at our shop. जैसे बिट्टू बोलता है कि मैं भी मेरे पापा की हेल्प करता हूँ शॉप पर. टीचर, वेरी गुड माई चिल्ड्रन. टीचर बोलते हैं सबको वेरी गुड. वी वर्क एट होम आवर सेल्फ एंड हेल्प आवर फैमिली मेम्बर्स. कि हम अब सब अपने अपने घर पे काम करते हैं और अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प करते हैं. देर वी डोंट थिंक
वेदर अवर हाउस होल्ड एक्टिविटीज आर अवर जॉब्स और नॉट. और वहाँ पे अपन घर पे जब काम करते तब ये थोड़ी सोचते कि ये मेरा काम है या नहीं काम है. इन द सेम मैनर अवर स्कूल इज लाइक अवर होम. कि उसी मैनर में जो अपनी स्कूल है वो अपना घर है. वी लिव हियर टुगेदर एंड स्टडी इन अ फ्रेंडली एटमोसफियर. हम जो है इधर साथ में रहते हैं और हम यहाँ पे साथ में फ्रेंडली एटमोसफियर में पढ़ते हैं. शुडंट वी थिंक ऑफ दिस क्लीनिनेस ऑल्सो. कि अपन को इस चीज़ों में क्लीन करने का क्या नहीं सोचना चाहिए. स्कूल को नहीं क्लीन करना चाहिए अपन को. नेक्स्ट तब क्या होता है देखो. दे ऑल स्टार्टेड अरेंजिंग द टेबल्स एंड बेंचेस. देन दे स्वेप्ट द डोर्स एंड वाइप द डोर्स एंड स्वेप्ट द फ्लोर. और सब जने ऐसे सुन के सब टेबल्स बेंचेस वगैरह अरेंज करते हैं और कोई डोर्स को वाइप कर रहा है, कोई फ्लोर को स्वेप्ट कर रहा है. If we make it dirty, who will clean it? I think we should do it ourselves. और जो अपन जब क्लीन करते हैं तो ये अपनी ड्यूटी है. अपन डर्टी करते हैं तो अपनी ड्यूटी है क्लीन करना. तो मीन्स स्कूल भी अपना ही है तो अपन को ही क्लीन करना चाहिए. राजू, I will remove all the cobwebs on the wall using a stool. I will clean my school. राजू जैसे बोलता है तो राजू कि मैं सब यहाँ से निकाल दूँगा जो cobwebs, जो जाले हैं वॉल पे. using a stool, I will clean my school. कि जो जाले हैं उसको स्टूल यूज़ करके मैं निकाल दूँगा और मैं पूरी स्कूल को है वो क्लीन कर दूँगा. नेहा, I will sweep the floor and wipe the door. नेहा बोलती है कि मैं मेरे फ्लोर और डोर साफ कर दूँगी. using a broom. यूजिंग ब्रूम का मतलब होता है झाड़ू. कि झाड़ू से मैं क्लीन कर दूंगी. आई विल क्लीन माई रूम. नेक्स्ट ऑल सब जने क्या बोलते हैं देखो. वी विल ग्रो फ्लावर्स प्लांट्स विथ टीचर्स एंड आंट्स. स्कूल इज अवर टेम्पल, नॉलेज इज एम्पल. मीन्स सब ने बोला कि अब हम हमारे स्कूल में सब जने मिलके फ्लावर प्लांट्स जो है वो पुट करेंगे और स्कूल जो है हमारा टेम्पल है और नॉलेज हमारा एम्पल है. टीचर, यू आर ऑल राइट, लेट्स मेक अवर स्कूल ब्राइट. कि टीचर बोलते हैं कि तुम सब सही हो, चलो अपनी स्कूल को ब्राइट करते हैं. इफ़ वी आर ड्यूटीफुल, भारत विल बी ब्यूटीफुल. कि अगर हम अपना ड्यूटी टाइम पे करेंगे तब भारत जो है वो ब्यूटीफुल हो जाएगा. थैंक यू स्टूडेंट्स.